बोल शंकर भगवान की जय। नंदी भृंगी मिलकर के भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किए। सबसे पहला क्या किया कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, उस समय भगवान शिव की जटाएं खुल गई थी। तो गणों ने सोचा कि सबसे पहले मुकुट पहनाते हैं, और उन गणों ने क्या किया कि जटाओं को बांध दिया और जटाओं को बांध करके मुकुट पहना दिया। लो भाई, मुकुट तो तैयार हो गया। अब एक ने कहा कि दूल्हा सेहरा पहनता है। कल सेहरा कैसा होता है? तो उसके आगे लड़ियां फुलझड़ियां लटकी हुई होती है, चेहरा नहीं दिखाई देता। अच्छा, एक गण गया और जा करके 10-15 ठो सर्प पकड़ के लाया और ला करके उनके मुख को जटाओं में बांध दिया और पूंछ को नीचे लटका दिया। लो भाई, सेहरा भी तैयार हो गया। एक ने कहा कि दूल्हा कान में भी तो कुछ पहनना चाहिए, कुंडल पहनता है। गए, छोटे छोटे सर्पों को लेकर के आए और सर्पों का कुंडल पहना दिया। अब एक ने कहा कि ऐसे कुंडल थोड़ी होता है, उसमें लटकता भी है कुछ। अच्छा, तो गया और दो बिच्छू पकड़ के लाया और उस सर्प में लटका दिया बिच्छू को। लो भाई, कुंडल भी तैयार हो गया। अब एक कहता है कि दूल्हा माला भी पहनता है। अच्छा, दौड़ा भागा गया और नरमुंड की माला लेकर के आया। 25-30 ठो नरमुंड लाया और एक बड़े से लंबे से सर्प में वो नरमुंड को पिरो के और पहना दिया। लो, माला भी तैयार हो गई। कान में कुंडल, हाथ में कंगन और यज्ञोपवीत भी वासुकी भगवान को यज्ञोपवीत बना करके पहना दिया। अब ये मत समझिए कि अगर दाहिने कान में हरा सर्प है तो बाएं कान में लाल वाला रहेगा। बिल्कुल मैचिंग मैचिंग वाला था। भगवान का जो भी श्रृंगार हुआ है, भगवान ने किस कान में कौन सा सर्प धारण किया, वो सारा विस्तार मानस पीयूष में आपको प्राप्त होगा। सब जो है श्रृंगार में लगे हुए हैं। अब एक ने कहा कि भाई, दूल्हा तो सब पहन के तैयार हो गया, लेकिन अब जब दूल्हा पाउडर ना लगाए तो कैसा दूल्हा? दूल्हे को पाउडर भी लगाया जाए? अच्छा भाई, पाउडर कहाँ से लाया जाए? दौड़ा भागा गया शमशान घाट में, एक चिता भी शांत ही हुई थी। तब तक गया और 2-4 बाल्टी बभूत लेकर के चला आया और ला करके बाबा के जटाओं से पूरा पोत दिया, सर से पांव तक गिरा दिया। लगाने और पोतने में बड़ा फर्क होता है। आदमी लगाता है तो बढ़िया से उसको बराबर करता है, भाई पाउडर क्रीम जो भी लगाता है बराबर करता है, लेकिन पोतने का अर्थ है कि जहाँ जितना मन उतना पोत डालो। गणों ने भी वही किया, पूरा पोत दिया। अब भगवान पहले से ही कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, भगवान पहले से ही गोरे हैं कपूर के जैसे, और उसके ऊपर जब बभूति लग गई, सोचिए कैसा दृश्य होगा। भगवान सब पहन लिए, पहन के तैयार हो गए, लेकिन गणों ने कहा कि सब तो है लेकिन प्रभु एक बात खल रही है। कहा, क्या खल रहा है? कैसे बताएं प्रभु? अन्य नहीं, बताओ क्या बात है? आज तुम जो करना चाहते हो सब कर लो। कहा, एक चीज खल रहा है, बाबा आप कुछ पहने नहीं है नीचे। भगवान शिव दिगंबर हैं, कुछ वस्त्र धारण नहीं करते। गणों ने कहा, बाबा आज दूसरे के गांव में जाना है, कम से कम आज तो कुछ पहन लीजिए। बाबा ने कहा, क्या पहनाओगे? गणों ने कहा कि नाथ, अगर आदेश हो तो जिस बाघम्भर पर आप बैठे हुए हैं कहिए तो वही पहना दिया जाए। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, पहना दो। उस बाघम्बर को लेकर के और गणों ने पहना दिया, लेकिन पहनाने गए लेकिन वो बाघम्बर खुल के नीचे गिर जाए। अब बाघम्बर में कोई बटन तो है नहीं कि बंद कर दिया जाए, बाघम्बर इतनी टाइट कि वो गिर जाए। अब गणों ने सोचा क्या किया जाए।
अब एक गण ने एक उपाय निकाला और एक गया बड़ा सा लंबा सा मोटा सा सर्प पकड़ के लाया और कहा, देखो तुम्हारी बड़ी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, तुम्हें अपने ड्यूटी पे कार्यरत रहना है जब तक तुम्हें उतरने के लिए ना कहा जाए। कहा, बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे लगा रहूँगा। उन गणों ने क्या किया कि उस सर्प को बेल्ट बना करके लगा दिया, बेल्ट बना करके पहना दिया। अब बाघम्बर पहन के बाबा तैयार हो गए, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर के डमडम लगे बजाने। सर से पांव तक अपना श्रृंगार देख करके भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव के इस श्रृंगार में कुछ भी सुंदर नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें सुंदर हैं, एक शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, एक चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं और एक गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं, बाकी कुछ सुंदर नहीं है। भगवान शिव देख करके अपने को लगे डमरू बजाने प्रसन्न हो गए। अब इधर जितने देवी देवता थे सब सज धज करके आए हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे कैलाश पर्वत पर आए, देखा भगवान को, जो देवता थे उनकी जो स्त्रियां आई हुई थीं, चेहरे पर आंचल से अपना मुख ढक करके और भगवान को देख के लगे मुस्कुराने कि देखी शिव ही सुर त्रिया मुस्काहे, अरे एही बरलायक दुलहिनी जगनाही। सब आपस में बात करती हैं कि कौन सा पिता संसार में पागल हो गया है जो अपनी बिटिया इस पागल बौराह को दे रहा है, इस पागल से विवाह कर रहा है। लेकिन आपको बताएं, जितने देवता थे सब बड़े दुखित हो गए भगवान को देख करके। क्यों? अब जितने देवता थे सब महीनों पहले तैयारी में लगे हुए थे, सूट वूट पहन करके, हमें ये पहनना है वो पहनना है, अब आज सब फेशियल करवा करके आए हुए हैं। और देखिए विवाह में क्या होता है, सभी फुल तैयारी में होते हैं, सब खूब सजते झजते हैं और सबको लगता है कि सब लोग हमें ही देखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते। इधर भी सब तैयार होकर के आए हैं, लेकिन अगर खूब बढ़िया से विवाह चल रहा हो और उसी विवाह में कोई पागल आदमी आ जाए तो सबको छोड़ करके सारे के सारे लोग उस पागल को ही देखना शुरू कर देते हैं। देवताओं ने सोचा कि अगर बारात ये लेकर के गए तो सब कोई इन्हीं को देखने लगेगा, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, बड़ी बेइज्जती होने वाली है इनके साथ। तो अब देवताओं ने स्पेशल अर्जेंट मीटिंग बैठाई। विष्णु जी ने कहा, देखो भाई बाबा के साथ नहीं जाना है, बाबा के साथ नहीं जाना है बारात में, अगर ये गए साथ में तो पानी भी नसीब नहीं होगा। एक काम करते हैं, चलो तुम सभी लोग चल चलो बाराती, चलो आगे। जितने सारे बाराती थे सब आगे निकल पड़े। जैसे ही नंदी ने देखा, कहा, बाबा सारे बाराती निकल गए, कहिए तो रुक दौड़ाऊं। भगवान शिव ने कहा, कहीं मत जाना, देखो जो आनंद अपने समाज वालों में है वो दूसरे समाज में नहीं है, अपने वालों को बुलाओ, इनको जाने दो। कहा, अपने वाले? अपने वाले कौन? कहा, अरे वही अपने वाले। अच्छा, कहा, प्रभु अपने वालों को न्योता नहीं गया है। भगवान शंकर ने कहा, संसार में देखो कोई ऐसा नहीं है जो अपने वाले को निमंत्रण दे, अपने वाले बिन बुलाए चले जाते हैं। अब आप बताओ, किसी के भी घर कोई विवाह होता है तो हम विवाह में माँ दुर्गा के नाम से, हनुमान जी महाराज के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से कार्ड निकालते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा, हे चुड़ैल माई, हे डाई माई, हे भूत महाराज, हे पिशाचिन देई, आप सब लोग हमारे घर विवाह में आइएगा, कोई ऐसा तो कहेगा नहीं। भगवान शंकर ने कहा, सब बिन बुलाए चले आते हैं, तुम एक बार बुलाओ तो सही। अब उस समय
नंदी ने जैसे ही हर हर महादेव का नारा लगाया, देश विदेश के जितने भूत थे सब चले आए। वो अमेरिका वाले गोरे गोरे लंबे से भूत, वेस्ट इंडीज वाले काले काले, अब सोचिए वो इतने काले कि अगर अंधेरे में रहे तो पता न चले कि सामने कोई खड़ा है, और जब तक वो अपने दांत न दिखाए हंसे ना, पता न चले कि सामने कोई आदमी भी खड़ा है, इतने काले। सब चाइना वाले चिपटे चिपटे भूत, चेन्नई वाले उर्दू पुर्दू करते चले आए। जितने भूत थे देश विदेश के, सिर्फ अपने भारत देश वाले नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भूत भी चले आए, और आज यहाँ दिल्ली वाले भूत भी चले आए हैं। सभी आपको रास्ते में मिलेंगे। सारे भूत चले आए, लेकिन जैसे भूत आए उनका संस्कार तो देखिए, दर्शन करिए। कि शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जसे इस तिन्ह नाए, नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, जैसे ही आए सबसे पहला कार्य किया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया सबने। ये भूत सब कैसे हैं? किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं, तो किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है। किसी के एक भी हाथ नहीं, तो किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। किसी के पेट से ही हाथ निकला हुआ है, किसी के एक भी पैर नहीं है, किसी के पीठ से ही पैर निकला हुआ है। अद्भुत अद्भुत भूत आए हुए हैं। किसी का मुख सुकर जैसा है, किसी का मुख गधे जैसा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा है, और सब एक आवाज में हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। सभी चले जा रहे हैं, सभी गाते बजाते हुए भगवान शिव के साथ बारात में निकल पड़े। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए, और देखिए भगवान ने जो भी श्रृंगार किया है, ऐसे तो विनोद में जो कुछ भी किया कहा वो बस एक विनोद बस कहा, लेकिन भगवान ने जो भी श्रृंगार किया है सबके पीछे कोई ना कोई कारण रहा। भगवान शिव ने अपने शरीर में भभूति धारण की, वो ये बताना चाहते हैं उस भभूति को धारण करने का एक कारण ये था कि वो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जब जीव अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के बाद उसके घर वाले घाट तक उसे लाते हैं, पुत्र उसे मुखाग्नि प्रदान करता है, और अंत में जब राख बन जाती है और सब उसका प्रवाहित कर देते हैं नदी में, सब उसे छोड़ करके चले जाते हैं, उस समय भगवान शंकर कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो मैं शंकर तुम्हें अपने शरीर में धारण कर लूँगा, तुम्हें स्वयं से मिला दूँगा। भभूति धारण करने का कारण, भगवान ने अपने गले में, भगवान इधर भभूति धारण किए और अपने गले में विष धारण किए हैं। उस विष को धारण करने का ये कारण है कि जिस प्रकार से समाज में हर प्रकार की बुराइयाँ होती हैं, हर प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे जब भी आप समाज में निकलेंगे।
आपको बहुत सारी बातें सुनाई जाएंगी, बहुत कुछ आपके विषय में कहा जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रगति पर जाने लगते हैं, बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपके विषय में बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं, और जिसके कारण हम विचलित भी हो जाते हैं, अपने पाँव को पीछे खींचने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन भगवान शंकर हमें बताना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई बुराई भी करता है, अगर हमें कोई दोष भी निकालता है, तो उस दोष को, उस बुराई को सुन करके अपने कंठ तक ही उसे रहने दीजिए, अपने कंठ के नीचे हृदय में ना लाइए, उसे ला करके अपने हृदय में ना बसाइए कि उसने आपके विषय में ऐसा कहा, उससे आपकी प्रगति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए जो भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी है, उस बात को सुनिए एक कान से और दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए, उसे अंदर ना प्रवेश होने दीजिए। इसलिए भगवान ने अपने कंठ में विष को धारण किया है। भगवान ने जो भी श्रृंगार किया, सबके पीछे एक कारण रहा। भगवान नंदी पर सवार होकर के, बैल पर सवार होकर के विवाह करने चले, उसका कारण ये था कि आज भगवान शंकर धर्म पूर्वक धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। इसलिए भगवान शंकर बैल पर सवार होकर के, नंदी पर सवार होकर के विवाह के लिए चल पड़े। भगवान ने त्रिशूल धारण किया। जीवन में तीन प्रकार के शूल होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के शूल होते हैं, अर्थात जो भगवान शिव के शरण में रहेगा, जो भगवान शिव के नाम का उच्चारण करेगा, जो भगवान शिव के शरण में सदैव लगा रहेगा, भगवान शिव के शरण में आकर के उनके चरणों में लिप्त रहेगा, वो भगवान शिव इन तीनों शूलों से उन्हें मुक्त कर देंगे। भगवान जो कुछ भी धारण किए, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा। इधर भगवान शिव अपने बारातियों के साथ बारात लेकर के निकल पड़े, और उधर भगवान विष्णु अपनी बारात लेकर के राजा हिमांचल जी के यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे और आपके वहाँ जब विवाह, जब बारात आती है, उस समय घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो अगवानी करने जाते हैं बारात की, आज उसी प्रकार से अगवानी करने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग चले आए। जब आए हैं, ब्रह्मा जी को देखा एक अगवान ने, तो ब्रह्मा जी से जा करके पूछता, ये बताइए आप दूल्हा हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के बाऊ जी हैं। अच्छा, अब मन ही मन सब विचार करते हैं कि जब दूल्हे के पिता इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़े और आगे बढ़े, जब भगवान विष्णु को देखा तो आपस में कहते, मुझे लगता है ये जरूर दूल्हा होगा। भाई ऐसा विवाह हो रहा है कि दूल्हे को ना बराती वाले तो देखे हैं, लेकिन घराती कोई नहीं देखा है, सिर्फ एक देवर्षि नारद ही देखे हैं, बिना देखे विवाह हो रहा है। न राजकुमारी ने देखा है, कन्या ने न देखा है, न कन्या के माता पिता ने देखा है। तो अगवानों ने भगवान विष्णु से पूछा, कहा मुझे तो लगता है आप जरूर दूल्हा होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, देखो हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के भाई हैं। जैसे ही बाराती उन अगवानों ने सुना कि दूल्हे का भाई, लगे खुशी के मारे नाचने, लगे नृत्य करने। पूछा क्यों नाच रहे हैं? कहा इसलिए नाच रहे हैं कि जब दूल्हे के पिता इतने सुंदर, दूल्हे का भाई इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन ही मन कहते हैं, बेटा जितना नाचना हो नाच लो। क्यों? क्योंकि जब बाबा वाली बारात आएगी तो नाचने लायक नहीं रह जाओगे। नाचने योग्य नहीं बच जाओगे, नाच लो। अगवान बड़े प्रसन्न हैं, खूब बढ़िया से स्वागत समारोह चल रहा है, ऐसे स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। उधर से बाबा अपनी बारात लेकर के आ गए राजा हिमांचल जी की नगरी में, और सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं कि अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, अब बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल।
गाते हुए, अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर अपनी बारात लेकर के पहुंच गए राजा हिमांचल जी के नगर में। इधर स्वागत समारोह चल रहा है। अगुआनों के कान में जैसे आवाज पहुंची हर हर महादेव की, अगुआनों ने सोचा एक बारात तो पहले चली आई, अभी दूसरी बारात कौन सी आ गई। लेकिन जो देवता थे उनको तो लग गया कि बाबा वाली भी बारात आ गई। अब विष्णु भगवान जितने देवता थे सबसे कहते काम करो, जल्दी जल्दी खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि बाबा वाली बारात भी समीप आ गई है। अब जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। अब देखो, अगर किसी को मैंगो का जूस मिल रहा होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हमको अनार वाला चाहिए। जिसको जो मिल रहा है सब पिए जाओ, खाए जाओ, क्योंकि बाबा वाली भी बारात चली आई है। इधर स्वागत सम्मान चल रहा है, अगुआन सबका स्वागत कर रहे हैं, और उधर बाबा वाले भी बारात चली आई। जितने भूत प्रेत थे, जो पांडाल सजा हुआ था उस पांडाल में बीच बीच से निकल करके, जहां देखो वहीं से निकल करके सारे भूत प्रेत चले आए। भूत प्रेत हाकिनी डाइन पिशाचिन सब चले आए, और आ करके स्वयं से लगे सब कुछ खाने पीने, सब चले आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने हाथी घोड़े आए थे, जिन पर सवार होकर के जो अगवान आए थे, जब हाथी घोड़ों ने उन भूत प्रेतों को देखा तो जैसे ही भूत प्रेतों को देखा बिडरी चले, अर्थात जाने का रास्ता सीधे से था, तो जिसको जिधर से रास्ता मिला अगर बीच से ही मिला तो सब बीच से ही निकल पड़े, सब भागने लगे। इधर एक अगवान एक बाराती को एक देवता को जूस पिला रहे थे। अब एक गिलास में जूस डाल रहे हैं और जूस गिराए जा रहे हैं, जूस तो गिरा रहे थे और देख रहे हैं ऊपर भगवान शिव के बारातियों को, उन भूत प्रेतों को देखे जा रहे हैं। बगल वाला कहता रहे क्या कर रहे हो, जूस सब नीचे गिर रहा है। कह रहा है, उसने कहा कि गिर रहा है, अरे ऊपर देखो वो आ रहा है। जब उसने देखा धड़ाम से गिर के बेहोश हो गया। जितने भूत प्रेत थे सब चले आए हैं पांडाल में, और आकर के सब कहते हैं हमारा भी स्वागत करो। किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है, किसी के पूरे शरीर में कान ही कान, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। अब पत्तल देने वाला सोचने लगे कि थाली कितनी लगाऊं, एक लगाऊं कि हजार लगाऊं। सब परेशान, और देखिए हद तो तब हो गई जब एक बिना सिर वाले भूत ने पूछ लिया, भाई हमारे रहने का स्थान कहाँ है, हमारे रहने का स्थान कहाँ है। अब भगवान ने डरते डरते आंख बंद करके इशारा किया, प्रभु आपको रहने से कौन रोक सकता है, जहां मन वहां रुको, सारी व्यवस्थाएं हैं। स्वागत सम्मान चल रहा है, सारे भूत प्रेत पिशाच सब पांडाल में आए हुए हैं, जिसको जो मन कर रहा है सब खाए पिए जा रहे हैं। तो गांव में भी जब विवाह होता है तो घर की हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को भेजती हैं कि जा करके देखिए वो दुल्हावा कैसन बा।
छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे ने इन भूत प्रेत पिशाचों को देखा, दौड़ के घर पहुंचे और जा करके अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा, ये बता दूल्हा कैसा है? कहा, माँ दूल्हे के बारे में तुम ना पूछो। अच्छा बाराती कैसे हैं? तो बच्चों ने कहा, बारात? अरे बारात नहीं, वो तो यमराज की सेना आई हुई है, वो बारात नहीं है। अरे क्या हो गया? कहा, माँ एक काम करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो, वरना अगर एक भी घुस गया ना तो पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर देगा। सबसे पहले दरवाजा बंद करो। और देखिए, गांव में पहले जब ऐसा सुनाई पड़ता था कि किसी वृक्ष पर कोई भूत आ गया है तो लोग रास्ता बदल देते थे, लेकिन भगवान शिव के विवाह में लोग गांव खाली कर दिए। भाई बच्चे रहेंगे तो जीवन रहा तो बहुत कुछ होगा। बच्चों ने कहा, माँ ये मत पूछो, अरे यमराज की सेना आई हुई है, बारात नहीं है। अच्छा ये बताओ, छोड़ो बारातियों को छोड़ो, दूल्हा कैसा है? कहा, दूल्हा? अरे दूल्हा तो पागल है। कहा, पागल? वो कैसे? बच्चों ने कहा, दूल्हा माँ सब घोड़ी पे सवार होके आते हैं और वो बैल पे सवार होके आया है। अच्छा, और तो और माँ क्या बताऊँ, नंगा आया हुआ है। नंगा क्यों भाई? गणु ने तो भगवान शिव को बाघंबर पहनाई थी, फिर बाघंबर कहाँ गई? अब देखिए, जब सारे भूत प्रेत आए और बारात निकली तो उस समय जितने भूत प्रेत थे सब गाते बजाते चले जा रहे थे। अब उसी समय सर्प जब था, बैठा हुआ था, बैठ करके सब नृत्य देख रहा था। अब उस सर्प ने सोचा कि 6 महीने पहले से मैंने डांस क्लास अटेंड किया, क्लासिकल वाले, और आज जब डांस करने का टाइम आया, इन्होंने बांध रखा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा खुल के जाके हम भी नाच आते हैं और फिर आके बंध जाएंगे। और जैसे ही वो सर्प वहाँ से खुल के गया नृत्य करने, बाघंबर नीचे गिर पड़ा। बाबा ने देखा बाघंबर तो नीचे गिरा, बाबा ने सोचा जाने दो, जो भी भारी लग रहा था समाप्त हुआ, कोई बात नहीं। और वो सर्प को देखिए, आधे घंटे तक नृत्य करके और फिर से आकर के बाबा की कमर में बंध गया, ताकि बाद में हमें कोई दोष नहीं देगा कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। भाई बाघंबर नीचे गिर गई तो उसमें हमारी क्या गलती? बच्चों ने कहा, माँ ये मत पूछो, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज पार्वती का विवाह वही देख करके बच जाएगा जो बड़ा भाग्यशाली होगा, जो बड़ा पुण्य किया होगा, वरना आज कोई बचने वाला नहीं है। बच्चे सब माँ से कहते हैं, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, आ कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप।
छूटेला पसीना सांस छूटे हाफ जाकर के घर में अपनी अपनी माताओं से इस बारात के जो भी बाराती आए हुए हैं सबका वर्णन करते हैं। सभी बच्चे डरे हुए हैं। अब इधर भगवान शिव को द्वार पूजन के लिए कोई बुलाया ही नहीं। भगवान शिव ने सोचा क्यों न चल करके हम स्वयं द्वार पूजा करवा लें। भगवान शंकर विकराल वेश धारण करके द्वार पर आए हैं और जैसे ही द्वार पर आए मैना मैया आरती की थाल लेकर के आई हैं। जैसे ही आरती की थाल लेकर के आई साथ में नाउन भी आई है आरती के लिए। भगवान शिव को देखा और उस नाउन ने नेग मांगा और उस नेग में भगवान शंकर ने उसे दोनों कान के कुंडल निकाल करके दे दिए, उन दोनों सर्पों को दे दिया। लाउन तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। इधर माँ मैना ने जब देखा भगवान शिव का इतना विकराल स्वरूप, थाली पटक करके और घर में चली गई। अब देखिए भगवान शंकर के समीप एक देवता खड़े थे। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आज के ही समय में लगाने बजाने वाले हैं तो ये गलत है, उस समय भी लगाने वाले थे। एक देवता भगवान शंकर के पास खड़े थे। कहा, प्रभु घोर बेइज्जती, बताइए आप दामाद होने वाले हैं इस घर के, इनको आरती करनी चाहिए थी, ये तो घोर अपमान करके चली गई, थाली पटक करके चली गई। भगवान शंकर ने अपने सूझबूझ से काम लिया और उत्तर दिया। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी? देवता ने कहा, नहीं आपकी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे ससुराल में यही नियम है कि जब दूल्हा आता है द्वार पर तो सास जब आरती की थाल लेकर के आती है तो दूल्हे को देख करके थाली पटक के घर में चली जाती है। बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया भगवान शंकर ने। हमको और आपको भी यही करना चाहिए, जिससे एक बार संबंध जुड़ गया फिर उसमें दोष देखना बंद कर दें, तभी जा करके रिश्ते को हम आगे बढ़ा पाएंगे, दूसरे के कहने पर न जाएं। भगवान शंकर का अपमान तो हुआ लेकिन भगवान शंकर ने बड़े सूझबूझ के साथ उत्तर दिया। इधर मैना मैया जा करके माँ पार्वती को गोद में लेकर के बैठ जाती हैं। कहती हैं, मैं आग में लेकर के कूद पड़ूंगी, पर्वत से गिर पड़ूंगी, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल बौराह से अपनी बिटिया का विवाह कदापि नहीं करूंगी। सखियां आकर के मैना मैया को समझाती हैं। इधर मैना मैया कहती हैं कि अरे रोए मैना रानी, सिर धुनती बारंबार, और वाहर गौरा बेटे थारी लट धारी भरता। भरता, वाहरी गोरा बेटी
आकर के मैना मैया के पास बैठी हुई हैं। मैना मैया कहती है मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन मैं कदापि उस पागल वराह से अपने पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। उसी समय किसी ने कह दिया, अच्छा ये बताओ ये बिहावा बताया कौन था, अगुआ कौन था? अब जो स्थिति आज होती है अगुआ लोगों की, वही स्थिति नारद जी की हुई। नारद जी का जैसे ही नाम आया, अब तो मैना मैया क्रोधित हो गई। कहा, नारद ने इतना बड़ा छल किया हमारी बिटिया के साथ? अरे उन्होंने तो देखा था इनको, क्या इनको ज्ञान नहीं था कि हमारी बिटिया कैसी है? उनकी तो खुद की कोई बेटी है नहीं, खुद की कोई संतान है नहीं कि वो एक बेटी का दर्द जान सके। बहुत क्रोधित हुई, बहुत कुछ सुनाया नारद जी को। इधर नारद जी सभी देवताओं के साथ चले आए। आकर के सभी देवताओं ने मिलकर के माँ पार्वती के पूर्वजन्म की कथा सुनाई कि पूर्वजन्म में ये सती के रूप में थी, कुछ त्रुटिवश इन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और अब इस जन्म में आपकी पुत्री के रूप में आई हुई है। मैना जी ये जहाँ भी जाएंगी, जिसकी भी पुत्री बनेंगी, हर जन्म में इनका विवाह भगवान शंकर से ही होगा और आप बड़ी बड़भागी हैं कि आप इनकी माता के रूप में हैं, ये आपके पुत्री के रूप में है इस समय। जब सारी कथाएं सुनाई, राजा हिमांचल जी ने सुना, माँ मैना ने सुना, तो राजा हिमांचल जी ने दोबारा आदेश दिया अपने सभी दूतों को, सेवकों को, कि दोबारा नगर सजवाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी पुत्री पार्वती का विवाह हो रहा था, लेकिन अब पूरे जगत की जगदम्बा पार्वती का विवाह होने जा रहा है। दोबारा नगर को सजवाया गया और भगवान शंकर भी अपनी लीलाओं का त्याग करके पीताम्बर वस्त्र धारण करके बड़े ही सुंदर स्वरूप में श्रृंगार करके आज भगवान भोलेनाथ आंगन में आए हैं। पाणि ग्रहण हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पाणि ग्रहण जब की न महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा। पाणि ग्रहण जब की न महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरा उच्चरही जय 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 शंकर सुर कर। भगवान शंकर आए हैं सुंदर वस्त्र धारण करके। पाणि ग्रहण संस्कार हुआ और सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं किस बात को सुनकर के कोई अपने मन में भ्रम नहीं लाएगा कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के पूर्व ही गणेश भगवान कहाँ से आ गए? क्यों? क्योंकि भगवान अनादि हैं, न इनका आदि है न कोई अंत है, इसलिए कोई संदेह नहीं करेगा, कोई भ्रम नहीं करेगा। गणेश जी का पूजन हुआ, गौरी गणेश पूजन के पश्चात पाणि ग्रहण संस्कार हुआ, भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। सभी मगन हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी देवता
आकाश मंडल से लगे पुष्प की बरसात करने, पुष्प की वृष्टि होने लगी और अंत में विदाई का समय आया। विदाई के समय में मैना मैया माँ पार्वती को अपने गोद में लेकर के समझाती हैं कि तुम्हें किस प्रकार से ससुराल में जाकर के किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारी बातें मैना मैया समझाती हैं। कहती है, पार्वती मैं जानती हूँ आप जगत की जगदम्बा हैं, आप जगत की जननी हैं, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी माँ हूँ और आपकी माँ होने के नाते मैं आपको एक सीख अवश्य दूंगी कि जो गलती आपने पूर्व जन्म में की थी उस गलती को दोबारा न दोहराइएगा। कहती है कि एक काम करना कि करे हो सदा संग कर पाद पूजा और नारी धर्म पति देवान दूजा। स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। माँ अनुसुईया ने भी माँ जानकी को शिक्षा दी है कि संसार में स्त्रियों के लिए कोई नियम कोई व्रत कोई तीर्थ नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ एक ही पूजा है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है और वो ये है कि अपने पति की पूजा करें। पूजा करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप प्रतिदिन उनके पांव धुलें, उन्हें रोज आरती दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, पूजा करने का अर्थ ये नहीं है। पूजा करने का अर्थ ये है कि हम अपने बड़ों के वचनों से प्रेम करें, हम अपने पति के आदेश का पालन करें, ये पति की पूजा है। हम गुरु के आदेश का पालन करें, ये गुरु की पूजा है। हम माता पिता के आदेश का पालन करें, ये माता पिता की पूजा है। समझाती है मैना मैया, कहती है, पार्वती जो त्रुटि आपने पूर्व जन्म में की थी उस गलती को दोबारा न दोहराइएगा। इस जन्म में जिस प्रकार से आपको भोलेनाथ रहने के लिए कहें, जो कहें, आप सारी बातें मानिएगा। कहती हैं, पार्वती एक बात तुम्हें बताना चाहूंगी। क्या कहती हैं? कि माने दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में माने का।
महिमा प्राप्त हो जाएगी। माता के समान अपनी सासु जी को मानना, माता के समान अपनी सासु जी को मानना, पिता के समान शिक्षा दिया हमको, आपको भी, हर माता को अपनी पुत्री को यही शिक्षा देनी चाहिए कि बिटिया अपने ससुराल में जा करके तुम्हें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए,
अपनी सास को ही अपनी माँ समझना, अपने ससुर को ही अपना पिता समझना, अपने जेठानी को ही अपनी बड़ी बहन समझना। कोई अगर कुछ कड़े हुए शब्दों का प्रयोग भी करता है तो तुम उसे सहन करना, धैर्य बनाए रखना। इस प्रकार से आप सभी माताओं को भी अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से हर घर परिवार बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार से मैना मैया ने माँ पार्वती को शिक्षा दे करके विदा किया है। और कल की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज इस कथा को यही विश्राम देते हैं। आइए दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन कि हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।